नमस्कार, मैं शरद पोंक्षे आज आपके सामने स्वातंत्र वीर सावरकर इस महान हस्ती के बारे में बोलने के लिए आया हूँ। पहली बार पुष्पेंद्र जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उनकी वॉल पर आके स्वातंत्र वीर सावरकर जी के बारे में बात करने की मुझे अनुमति दी, इसलिए मैं पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, यूट्यूब पर उनके बहुत सारे भाषण विचार मैंने सुने हैं और मैं उनका फॉलोअर भी हूँ। इस विश्व में बहुत ही कई ऐसी हस्तियाँ भगवान ने पैदा की और उसमें से एक जो हर भारतीय को गर्व हो, हर भारतीय हर हिंदुस्तानी गर्व से ये कह सके कि हम सावरकर जी के देश के रहने वाले हैं। ४९४७ में देश आज़ाद हो गया, उस वक्त की परिस्थिति ऐसी थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर। एक मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बनाया गया, लेकिन जो बचा था हिंदुस्तान वो हिंदुओं का नहीं हो पाया। जो बचा हुआ हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान हिंदुओं का है, वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसके लिए सावरकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। ४७ के बाद पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, पंत प्रधान बने और उनके सामने हिंदुओं का पक्ष लेने वाले, बहुसंख्यक हिंदुओं का पक्ष लेने वाले, हिंदुओं के लिए लड़ने वाले ऐसी एक ही हस्ती थी जो थी स्वातंत्र वीर सावरकर। और उनको उन्हीं का डर था। तब तक ऐसा कहा जाया था, गांधी जी ने बहुत बार कहा था कि इस देश के टुकड़े होंगे उसके पहले मेरे देह के मेरे शरीर के टुकड़े होंगे। लेकिन देश के तो टुकड़े हो चुके, लेकिन गांधी जी के शरीर के टुकड़े नहीं हो पाए। धीरे धीरे हिंदू लोगों को, हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह पता चलने लगा कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करने वाला। और धीरे धीरे लोग सावरकर जी के पक्ष में आने लगे और नेहरू जी को ऐसा पता चल गया कि सावरकर जी एक ऐसे राजकीय व्यक्तित्व है जो हमें हराकर इस देश के लिए एक चुनौती बन सकते हैं, ये कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। और फिर उन्होंने कांग्रेसी राजनीति जो आज तक चल रही है कि हिंदुओं को बदनाम किया जाए, इसलिए उन्होंने सबसे पहली बार गांधी जी की हत्या में सावरकर जी को अटका दिया और जिंदगी भर के लिए सावरकर जी के जीवन पर एक काला दाग लगा दिया। बाद में तो हिस्ट्री सब जानते हैं कि न्यायालय ने सावरकर जी को
निर्दोष साबित कर दिया और उनको छोड़ दिया, क्योंकि उनका हाथ ही नहीं था, उनको मालूम भी नहीं था कि नथुराम गोडसे आगे जाके गांधी जी को मारने वाले हैं। लेकिन एक काला दाग लगाने में नेहरू सरकार यशस्वी हो गई। एक पहले ही शुरुआत में ही मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये मेरा पहला सावरकर जी के ऊपर हिंदी में पहली बार मैं भाषण दे रहा हूं, क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है और इंसान अपने विचार अपनी मातृभाषा में जितने प्रखरता से व्यक्त कर सकता है उतने और किसी लैंग्वेज में और किसी भाषा में वो नहीं कर सकता। लेकिन कई दिनों से मैं सोच रहा था कि महाराष्ट्र से बाहर एक बार सावरकर जी को पहुंचना चाहिए। असली सावरकर क्या थे, उनका हिंदुत्व क्या था, वो कौन थे, वो क्या सोचते थे हिंदुस्तान के बारे में, वो हिंदुस्तान का भविष्य किस ढंग से लिखना चाहते थे। ये महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए आज पुष्पेंद्र जी ने मुझे आज हिंदी में बोलने का मौका दिया और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी में सावरकर जी को आपके सामने प्रस्तुत करूं। मेरी हिंदी गलत हो सकती है क्योंकि मैं सोचता हूं मराठी में और बोलूंगा हिंदी में, तो इसी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत हिंदी बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सावरकर जी को कम्युनल कहा जाता है। इस देश में बेसिकली क्या है कि अहिंसा और सत्य का डांडोरा इतना पीटा गया है। सावरकर जी हमेशा कहते थे कि सिर्फ अहिंसा से कोई जंग लड़ी नहीं जाती, राजा हाथ में अगर शस्त्र लिए खड़ा है तो ही प्रजा को ऐसा महसूस होता है, प्रजा को विश्वास होता है कि ये राजा हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन अगर राजा निशस्त्र हो तो प्रजा डर जाती है। सावरकर जी हमेशा कहते थे कि शेर के सामने अगर पंडित प्रसाद लेके गया, एक मोदक लेके गया, तो शेर का पंडित मोदक बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। शेर के सामने जाते समय बंदूक ही काम आती है। सामने वाला दुश्मन कौन है उसको उसी की भाषा में जवाब देना हमेशा बेहतर होता है। अहिंसा ये बेसिकली अनैसर्गिक है, अननेचुरल है। अहिंसा परमो धर्मा ये आधा मंत्र हमें पढ़ाया जाता है, हमारे सर पर मारा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा जैसा शस्त्र नहीं है। अगर अहिंसा जैसा शस्त्र नहीं है तो प्रभु राम, श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी, ये सब क्या पागल थे? प्रभु राम, श्री राम आज भी हम एक सही राजा, एक अच्छा राजा कौन है तो उसका, उसकी जो पट्टी लगाते हैं, उसका जो परिमाण लगाते हैं वो सिर्फ प्रभु राम होता है। राम राज्य से ही हम किसी भी राजा का मूल्यमापन करते हैं। राम राज्य जैसा राज्य नहीं है। फिर एक बार हम राम राज्य लाना चाहते हैं। ये सब हम राम राज्य के बारे में क्यों कहते हैं, या फिर शिवशाही, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राज्य लाना चाहते हैं? तो प्रभु राम को ये मालूम नहीं था कि अहिंसा ये सबसे बड़ा शस्त्र है
और अगर मालूम होता और अगर सचमुच में अहिंसा ये बहुत ही प्रखर शस्त्र होता तो प्रभु रामचंद्र जब रावण ने सीता को लेके गया था तब उसके बाद लंका के सामने उस दरवाजे के सामने प्रभु रामचंद्र जी ने अनशन में बैठना चाहिए था, अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने हाथ में शस्त्र लिया, रावण को खत्म कर दिया, खून बहाया हिंसा के। अहिंसा परमो धर्मा, यानी अहिंसा ये बहुत ही बड़ा शस्त्र है, ये धर्म है, लेकिन अहिंसा की रक्षा करने के लिए जब जब शस्त्र उठाया जाता है वो उससे भी बड़ा धर्म है। तो प्रभु रामचंद्र को ये मालूम नहीं था। महाभारत में तो अर्जुन खुद कह रहा था श्री कृष्ण को कि भगवान मैं कैसे लड़ पाऊंगा, मेरे सामने तो मेरे भाई खड़े हैं, मेरे चाचा खड़े हैं जिन्होंने मुझे पाला पोसा, बहुत सारा प्यार दिया है, और ऐसे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, ये सब मेरे भाई है, मेरे मामा है, मेरे कोई चाचा है, इनके साथ मैं कैसे लड़ूं, इनको मैं कैसे मारूं। तो अगर अहिंसा इतना बड़ा शस्त्र होता तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहना कि भाई तुम महाभारत के इस रणभूमि में अहिंसा धर्म का पालन करो, और जब तक दुर्योधन दुशासन के अंदर का इंसान नहीं जागेगा तब तक अनशन के लिए बैठ जाओ। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ये अधर्म है, ये अनीति है, इनको खत्म करना ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, और शस्त्र हाथ में लेके ही इनको खत्म किया जा सकता है। एक हद तक अहिंसा अच्छी है। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँगा कि मैं अहिंसक हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं किसी को मारूंगा नहीं। दुबले पतले इंसान के मुंह में अहिंसा शोभा नहीं देती है। एक ऐसा लुकड़ा आदमी खड़ा है ऐसा और कह रहा है कि भाई मैं किसी को नहीं मारूंगा तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर, लेकिन एक ताकतवान आदमी जिम बिम जाके ऐसी बॉडी जिसने बनाई है, जिसके हाथ में AK-47 है, और वो अगर कहता है कि मैं भाई अहिंसक हूँ, मैं पहली गोली कभी नहीं चलाऊंगा, तो उसके ऊपर गोली चलाने से पहले सामने वाला 100 बार सोचेगा कि ये तो पहले नहीं चलाएगा लेकिन अगर मैंने चलाई तो ये क्या करेगा। एक गाल पे अगर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे करो, सावरकर कहते थे। एक गर्दन काटो तो आगे करने के लिए दूसरी गर्दन रहती नहीं है, इसलिए पहले ही गर्दन काटने से पहले ही गर्दन काटने वाले की गर्दन काटना ये तुम्हारा धर्म है। शेर इंसान के ऊपर अटैक करता है, उसके हाथ में शस्त्र क्या है, उसके दांत और उसके नाखून, नाखून से अटैक करता है और दांत से खाता है। सावरकर जी कहते थे कि उसके दांत और उसके नाखून निकाल दो, इतनी ही हिंसा मुझे मंजूर है, मैं शेर को नहीं मारना चाहता, उसकी ताकत को मारना चाहता हूं, उसके अहंकार को मारना चाहता हूं, और इतनी अहिंसा होनी ही चाहिए। अगर हम अहिंसक होने की कोशिश करेंगे तो हम मर जाएंगे,
यानी कि अगर मैं ऐसे ताली भी बजाऊंगा तो भी इस वातावरण में जितने भी ऐसे जो आँखों को दिखते नहीं, जैसे कोरोना, कोरोना का विषाणु हमें दिखता नहीं है लेकिन आज कितना वो कहर मचा रहा है, तो ऐसे कितने सारे विषाणु हैं इस हवा में, इस अपने वातावरण में, जो हम एक ताली बजाएंगे तो मर जाते हैं। तो फिर ताली बजाना ये तो हिंसा हो गई। अगर ये हिंसा भी हमें नहीं करनी है, हमें तो पूरा 100% अहिंसक बनना है, तो फिर हमें ऐसे कैसे बैठना चाहिए? कुछ भी नहीं, हिलेंगे तो भी हिंसा हो जाएगी। अगर हमर हिलेंगे नहीं, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे तो फिर हम मर जाएंगे, तो फिर भी हिंसा हो जाएगी। तो अहिंसा ये अनैसर्गिक शब्द है। राजा प्रजा की रक्षण करने वाला उसको राजा कहते हैं। सावरकर जी कहते थे कि गांधी जी अहिंसक है, गौतम बुद्ध अहिंसक है, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए शस्त्रधारी पुलिस की ही जरूरत पड़ती है और यही पे अहिंसा फेल्योर हो जाती है। सावरकर जी को किसी चौकट में बांध दिया गया कि वो कट्टर हिंदू है। ये एक तो हिंदू के पीछे कट्टरता ये वर्ड कभी लगाया ही नहीं जा सकता कि हिंदू कभी सकता है। एक तो पूरे विश्व में धर्म, रिलीजन, धर्म, धर्म एक ही है, इंसानियत का धर्म। श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, मैं नीति के साथ लड़ूंगा, अनीति के खिलाफ, मैं सच्चाई के लड़ूंगा झूठ के खिलाफ। ये जो सच्चाई है, ये जो नीतिमत्ता है, ये जो सत्य है, इसी को हम हिंदू कहते हैं। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव हिंदुरिति स्मृता। ये सावरकर जी ने हिंदुत्व की व्याख्या की है, यानी हिमालय से लेकर नीचे समुंदर तक की भूमि को, तो जो इंसान पितृभूमि और अपनी पुण्य भूमि मानकर उसे प्रणाम करता है, उसके सामने झुक जाता है, जिसका जो इस भूमि की पूजा करता है, वो हर इंसान हिंदू है। हिंदू एक ही धर्म है और बाकी सब धर्म संस्थाएं हैं। ये कोरोना की वजह से रामायण और महाभारत धारावाहिक टीवी पे दिखाना वापस शुरू कर दिया है। आपने रामायण या महाभारत में कभी अब्दुल्ला ऐसे नाम का आदमी देखा है, या फिर जॉन करके कोई नाम का आदमी देखा है कि बाबा श्री कृष्ण ने बोला ये जॉन मेरी तरफ से लड़ेगा और ये अब्दुल्ला तुम्हारी तरफ से लड़ेगा, ऐसा सुना है आपने? क्योंकि ये अस्तित्व में ही नहीं था, ये थी ही नहीं। तो क्या था उस वक्त? नीति और अनीति, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म। धर्म यानी रिलीजन, ये अंग्रेजी भाषा बहुत ही कमकुवत भाषा है। अमा न बाप ये ऐसी भाषा है, लेकिन हिंदी और मराठी की जो देवनागरी लिपि है वो देखो कैसी है। स्वर अलग है और व्यंजन अलग है। पहले स्वर आते हैं अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम हा, और बाद में जब व्यंजन आते हैं कख गग टठ डड, यानी औष्ठव्य जो ओठ ऊंच, तालव्य दंतव्य कंठव्य, कख गग पफ बबम कथ ददन यरल वश। और जैसा लिखते हैं वैसा ही उसका उच्चारण किया जाता है।
देवनागरी लिपि का, जो हमारी हिंदी और मराठी भाषा है। अंग्रेजी में स्वर और व्यंजन एक साथ मिल गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे बीच में स्वर आ जाता है। सावरकर कहते थे कि सी और टी के बीच जब हम यू डालते हैं तो उसका उच्चारण हम कट करते हैं, यानी यू का उच्चार अ करते हैं, और अगर पी यू टी में पी और टी के बीच में वही यू डालते हैं तो उसका पट उच्चार नहीं होता है, उसका उच्चार यू होता है। तो इसीलिए अंग्रेजी बकवास भाषा है, लेकिन 150 साल अंग्रेजों ने राज किया तो वो अंग्रेजी हमारे सर पर ऐसे बैठ गई है कि अंग्रेजी बोलने वाला हमें बहुत प्रतिष्ठित लगता है और प्रादेशिक भाषा बोलने वाला हमें ऐसा एकदम गंवारा लगता है। अपनी मातृभाषा का, मातृभूमि का अभिमान हर इंसान को होना चाहिए, यही हमारी आइडेंटिटी है। सावरकर जी ने भाषा में इतना, सावरकर जी ने क्रांति में इतना बड़ा काम किया है। सावरकर जी एक महान कवि थे, उनका अंडमान का पर्व कितना बड़ा पर्व है, 1910 से लेकर 1924 तक 14 साल, प्रभु रामचंद्र जो वनवास 14 साल का ही था, सावरकर जी ने भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वतंत्र करने के लिए 14 साल के काले पानी की सजा भुगती, क्या क्या नहीं किया उस इंसान ने। उनको सनातन हिंदू धर्म मान्य नहीं था, वो नहीं मानते थे, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म ये जातियों में बांट चुका है, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व या राष्ट्रीयत्व होना चाहिए और हिंदू धर्म ऐसा होना चाहिए उसकी व्याख्या की, जो मैंने कभी अभी कही, आसिता सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू, ये इसका मतलब क्या है कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, यानी अगर मैं शरद वंशी हूँ तो मेरे वंशे कुल का जो पहला पुरुष है वो इसी सिंधु नदी के तीर पर जन्म लिया, उसने कोई बाहर से नहीं आया है, वो कोई यूरोप से नहीं आया है, अरबस्तान से नहीं आया है, यही कहा है। तो जिन जिन इंसान, जिस जिस इंसान के पुरखे, पूर्वज इसी नदी के किनारे पे उन्होंने जन्म लिया है, पुण्यभू, पुण्यभू का मतलब है पुण्य भूमि, जिनके पुण्य भूमि, पुण्य भूमि हम किसे कहते हैं, हमारे तीर्थ क्षेत्र काशी, मथुरा, पंढरपुर, तिरुपति, बालाजी। देखो हम सबके पुण्य क्षेत्र, हम सबकी पुण्य भूमि यही हिंदुस्तान की भूमि है, हमें तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, हिंदुस्तान छोड़कर हमारे पुण्यात्मा यानी हमारे संत, हमारे साधु संत, हमारे सब साधु संत यही से है, हमारा वो ख्रिस्ती धर्म जैसा पोप बाहर से नहीं आता है, हमारे सब यही है, हम तो संत ज्ञानेश्वर यही है, हमारे सभी संत साधु संत इसी मिट्टी में जन्म लिया है। तो जिनकी पितृभूमि ये है, जिनकी पुण्य भूमि ये है, हिमालय से लेकर सागर तक की जमीन को जो जो हमारी पितृभूमि, पुण्य भूमि, पुण्यात्माओं की भूमि, तीर्थ भूमि मानता है और सर झुकता है, वो हर इंसान हिंदू है। हिंदू धर्म का संस्थापक कोई है नहीं, हिंदू धर्म की स्थापना नहीं है, इस्लाम की स्थापना है। महाभारत या रामायण में हमें अब्दुल्ला नहीं दिखता है, हमें फर्नांडिस नहीं दिखता है, हमें जॉन नहीं दिखता है, हमें मकबूल नहीं दिखता है, हसीना नहीं दिखती है,
ये उस वक्त था ही नहीं। सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार किसी प्रेषित को जब जरूरत पड़ती है कि अभी इन सब लोगों को इकट्ठा रखने की जरूरत, और उस जरूरत से एक धर्म संस्था की स्थापना की जाती है, फिर उसके कुछ नीति नियम होते हैं, उसकी एक घटना होती है, और फिर घटना के अनुसार उस धर्म संस्था को चलाया जाता है। जैसे कि इस्लाम में है कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ऐसे अलग अलग नियम हैं। हिंदू धर्म में कोई नियम नहीं है। हिंदू धर्म 5 बार 10 बार मंदिर में जाना चाहिए, उपास करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, शिव जी की पिंडी पर बेलपत्र बहना चाहिए, ऐसा है कुछ नहीं है। ये कुछ है ही नहीं, फ्रीडम, क्योंकि ये इंसानियत का धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है, मानुष की का धर्म है। धर्म एक ही है, हिंदू धर्म, बाकी सब धर्म संस्थाएं। इसलिए हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। कट्टरता कब आती है? जब धर्म संस्था के जो नियम है, जो घटनाएं में लिखी हुई है, ये करने वाला इस धर्म संस्था का सभासद हो सकता है, और जो इंसान उस धर्म संस्था का सभासद है और वो जो घटना के अनुसार 100% घटना के अनुसार 100% उन नियमों के अनुसार चलता है, वो उस धर्म संस्था का कट्टर सभासदत्व होता है, सभासद होता है। हिंदू में नास्तिक होने की परमिशन है, भगवान को गाली देने वाला। जिंदगी में कभी जिसने भगवान की पूजा नहीं की है, कभी जिसने घर में एक भी भगवान का फोटो नहीं लगाया है, वो भी हिंदू है। ये हिंदू धर्म की ब्यूटी है, सुंदरता है। सावरकर जी हमेशा ये हिंदुत्व का प्रसार करने में लगे हुए थे। सावरकर जी हमेशा कहते थे कि हिंदू धर्म जातियों में बांट चुका है, ये जातियों की जो दीवारें हैं वो सब खत्म करके एक ही जात होनी चाहिए, वो है हिंदू जात, और एक ही धर्म होना चाहिए जो राष्ट्रीय धर्म है, हिंदू हिंदुत्व। एक ऐसे ही सावरकर जी लोकमान्य तिलक के केसरी के ऑफिस में बैठे थे। एक बार कुछ ऐसे समाजवादी विचारों के, कम्युनिस्ट विचारों के कोई लोग आके उनसे बातें करने लगे। उनमें से एक ने बोला, सावरकर जी आप तो हमेशा हिंदू हिंदू हिंदुइज्म की बात करते हैं, लेकिन हमारे इलाके में दो मुसलमान दोस्त हैं हमारे, वो बहुत ही प्यारे हैं और हमेशा हमारे घर में आते हैं, दिवाली में आते हैं, दिवाली में हम उनकी ईद का प्रसाद लेते हैं, वो बिरयानी हमारे घर पे पहुंचाते हैं, गणपति के दिन मोदक हम उनको देते हैं। बहुत बहुत अच्छे हैं, आप क्यों ऐसा कहते कि सब मुसलमान? तो सावरकर जी का, मैंने तो एक तो ऐसा कभी कहा नहीं कि भाई सब मुसलमान खराब है, बेकार है, मेरा कहना इतना ही है कि जब भी मुसलमान संख्या में कम होते हैं वो बहुत प्यार से पेश आते हैं, जब भी उनकी संख्या आपके संख्या के बराबर की हो जाती है तो वो आवाज करने लगते हैं, और उनकी संख्या आपकी संख्या से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो वो आक्रमण करते हैं। उसके बावजूद भी मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि उसके बावजूद भी कोई मुसलमान बहुत ही अच्छे हैं जो राष्ट्र के ऊपर प्यार करने वाले हैं, लेकिन उन 2% मुसलमानों की आप चिंता मत कीजिए। जो विभीषण होते हैं वो खुद ब खुद
अपने भाई रावण के खिलाफ राम के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है सावरकर। अस्पृश्यता को हटाने के लिए काम करने वाले लीडर्स का नाम पूछेंगे तो हम हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं कि जितना उनका कार्य है इस विषय में उतना ही बराबर का कार्य सावरकर जी ने किया है। सावरकर जी, मैं हमेशा सोचता हूँ, मैं कलाकार हूँ तो मैं बहुत अलग ढंग से हर चीज को देखता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये अंबेडकर जी, सावरकर जी, गांधी जी, तिलक, लोकमान्य तिलक जी, ज्योतिबा फुले जी, ये एकदम जो हमें ऐसा दिखते हैं वैसे थोड़ी होंगे। उनका भी कोई बचपना होगा, वो भी बचपन में कभी खिले होंगे, वो भी बचपन में कभी अपने काका, अपने चाचा, अपने चाची या फिर मामा, मामी, पिताजी, माँ, किसी का हाथ पकड़ बाजार में गए होंगे। तो कभी बाबा साहेब गए होंगे तो किसी ने उनको गाली दी होगी। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब छूत अछूत का ज़माना बहुत बहुत बड़ा संकट था इस। तो किसी ने उनको गाली दी होगी, अरे तुम्हारी छाँव पड़ गई, हम बट बांट गए, यार क्या कर रहे हो तुम, उधर हटो, हम उच्च वर्णीय हैं, उच्च वर्गीय है, तुम नीचे जात के हो, ये क्या कर रहे हो। तो बाबा साहब ने जिनकी उंगली पकड़ी है वो चाचा को, चाची को, काका को, मामा को पूछा होगा कि ये लोग हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। तो उन्होंने ये कहा होगा, भाई ये हमारा तकदीर है, हमने इस जात में जन्म लिया है, हमने निचले वाली जात में जन्म लिया है, हम महार है, हम मांग है, ये हमारा तकदीर है, ये सालों से चलता आ रहा है, यही परंपरा आ रही है, हमें ये भुगतना ही होगा, ये हमारा तकदीर है। और फिर बाबा साहब ने कहा होगा, नहीं भाई, आज तक पीढ़ियों से आपने ये सब सहन किया, लेकिन इसके बाद मैं ये सहन नहीं करूँगा, क्योंकि ये छूत अछूत की आग के चटके बाबा साहब ने सहन किया है, ज्योतिबा जी ने सहन किया है। ये अपमानित होना क्या होता है, ये दर्द उन्होंने महसूस किया है। एक इंसान दूसरे इंसान को जब गाली देता है तो उसका दुख क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, वो फीलिंग्स उन्होंने सही है, उनको उसका अनुभव लिया है। लेकिन सावरकर ऐसे नीचे जात में उन्होंने जन्म ही नहीं लिया, उन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मण समाज में उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण में भी कोकणस्थ ब्राह्मण है, ऐसी बहुत ही उच्च जात होती है, उसमें उन्होंने जन्म लिया है। तो इन्होंने ये गालियाँ, ये अपमानित होना, ये सब ये सहन ही नहीं किया है, इसका अनुभव ही नहीं है। तो सावरकर भी छोटे होते तो जाते होंगे, जैसे बाबा साहेब जाते थे, ज्योतिबा जाते थे, हर बड़े लोग बाद में बड़े हुए, छोटे तो बचपन तक था उनका, तो सावरकर भी गए होंगे। और उन्होंने जिसकी उंगली पकड़ी है, अभी देखो उल्टी परिस्थिति अलग है, अभी अंबेडकर जी जब जाते थे तो सामने वाले ऊंचे जात के आदमी ने उनको गाली दी है, अब यहाँ ऊंचे जात में ही जन्म लिया हुआ ये विनायक दामोदर सावरकर अपने चाचा की उंगली पकड़ कर जा रहा है, और जिसकी उंगली उसने पकड़ी है उसने ही सामने वाले नीचे जात वाले को गाली दी है, भाई परिस्थिति उल्टी हो गई। अब ये गाली खाने के बाद या अपमानित होने के बाद का जो दर्द है, जो दुख है, इसका अनुभव तो इस बच्चे को है ही नहीं, क्योंकि ये उच्च वर्णीय है। तो सामने वाले का दर्द देखकर इसने अभी अपने चाचा को पूछा कि तुमने उसको ऐसी गाली क्यों दी, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है,
हर इंसान को कुदरत ने जन्मजात कुछ हक दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, जो अधिकार कुदरत ने जैसे हमें दिए है वैसे उसे भी दिए है, उन्हें भी दिए है। तो उनका ये अधिकार छीनने का अधिकार हमें किसने दिया? हम सब इंसान हैं, हम सबके जात एक ही है इंसान, धर्म एक ही है इंसानियत। तो ये अधिकार हमें किसने दिया? और फिर स्वजातीय ब्राह्मणों के खिलाफ नीचे वर्ण के लोगों के लिए, अछूतों के लिए, स्वजातीय उच्च वर्णियों के खिलाफ जाके लड़ने का प्रयास किया सावरकर जी। और फिर सहभोजन स्कूलों में सभी वर्ण और जात के लड़कों को एक साथ बिठाने की कोशिश, और जो अंडमान से निकल के आए 24 को छूट के आए, जो 1937 तक ये जो 13 वर्ष है, ये हिंदू धर्म के अंदर जो जातियों की दीवारें खड़ी है उस दीवारों को गिराने की पूरा कोशिश ये 13 साल सावरकर जी ने की थी। क्योंकि उन्होंने लिख के दिया था कि मैं पॉलिटिक्स में सहभागी नहीं हूँगा। जब उन्हें काले पानी की सजा से निकाला गया और उसमें रत्नागिरी के घर में उनको स्थानबद्ध किया गया, तो कुछ शर्तें रखी थी ब्रिटिश सरकार ने कि राजनीति में आप सहभागी नहीं होंगे, कहीं भी जाके जाहिर भाषण आप नहीं देंगे, और ये सब निर्बंध उनके ऊपर डाले थे वो 37 तक थे, 1937 तक। फिर 37 के बाद वो सब निर्बंध उठ गए और सावरकर जी फिर एक बार राजनीति में कूद पड़े। ये जो 13 साल है ये हिंदू धर्म को स्ट्रांग बनाने के लिए, हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, ये देश हिंदुओं का है, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए जी जान से 13 साल तक काम किया है सावरकर जी। लेकिन जानबूझकर 70 साल में कांग्रेस ने सावरकर जी को लोगों के सामने आने ही नहीं दिया, इतिहास को दबा दिया, इतिहास को गाड़ दिया। जितने भी गांधी विचारों के विरुद्ध विचार करने वाले लोग हैं, सभी क्रांतिकारी लोग, सावरकर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, सभी का इतिहास कांग्रेस ने कभी आने ही नहीं दिया। कितनी बड़ी दूरदृष्टि होगी देखिए सावरकर जी की। जब 1947 में 15 अगस्त को देश को आजादी मिली, तब से सावरकर जी इस देश को महासत्ता बनाने का सपना देख रहे थे। एक ऐसा बहुत ही बलवान राष्ट्र हिंदुस्तान होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने कुछ सूचनाएं की थी अपने पहले प्राइम मिनिस्टर को। इस देश को अगर आज आज़ादी मिली है, आप पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपका अभिनंदन। अब कुछ सूचनाएं मैं देने जा रहा हूं, उस सूचनाओं का तुरंत पालन किया जाए, कितनी दूरदृष्टि होगी। सबसे पहले कहा कि राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए। आज विश्व में जहां जहां भी एटॉमिक बॉम्ब, अणुबॉम्ब बनाने वाले शास्त्रज्ञ हैं, उनको इस अपने देश में बुलाया जाए, पाचारण किया जाए, और अपने देश में जो वैज्ञानिक है,
उनको उनसे ट्रेनिंग दी जाए। और 15 अगस्त 1948 यानी जो पहली आज़ादी का पहला जश्न बर्थडे आज़ादी का 15 अगस्त 1948 में जब मनाया जाएगा, तो एक साल में अणुबॉम्ब बनना चाहिए, पूरे विश्व को पता चलना चाहिए कि अभी अभी आज़ाद हुआ ये हिंदुस्तान नाम का देश अणुबॉम्ब से युक्त है, इनकी सुरक्षा कवच में अभी अणुबॉम्ब आया है, ये होना चाहिए। राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा के लिए जितने भी महासंहारक शस्त्र अस्त्र है उनको खरीद लो, सबसे पहले राष्ट्र की सीमा को इतना सुरक्षित करो कि आसपास के देश देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकते। और किसी भी राष्ट्र की सीमा चरखे से निकाले हुए सूतों से, यानी वो कॉटन से नहीं खींची जाती, तलवार से खींची जाती है। सीमा हमेशा तलवार से खींची जाती है और उसके ऊपर खून का सिंचन किया जाता है। तब पड़ोसी राष्ट्र के लोगों को ये पता चलता है कि भाई ये जो रेखा है जिसके ऊपर खून दिखाई दे रहा है, यहाँ से हिंदुस्तान शुरू होता है। और एक संदेशा खून की रेखा की वजह से ये भी जाता है कि उसको ये भी पता चलता है कि इस देश की रेखा पर इतना खून बहा है, तो इस रेखा की, इस सीमा की रक्षा करने के लिए इस हिंदुस्तान का हर इंसान अपना खून बहाने के लिए तैयार है। ये पहली सूचना की थी। इसके लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण भी दिया। हम एक फैमिली होते जैसे कि मैं हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरी माँ है, एक 5-6 लोगों की फैमिली। हम कोई भी घर लेते हैं, तो घर लेते हैं तो लेने के बाद तुरंत हम घर को इंटीरियर करने में लग नहीं जाते, इंटीरियर थोड़ा बाद में करते, घर को दीवारों को कलर वगैरह सब बाद में करते। पहले हम क्या करते हैं मालूम है, जितनी भी खिड़कियाँ हैं, जितने भी दरवाजे हैं, उनके बाहर एक लोखंड का ग्रिल बिठाते हैं। बिल्डर ने तो हमारे फ्लैट को बहुत अच्छा दरवाज़ा दिया होता है, बहुत अच्छा लॉक दिया होता है, लेकिन वो बिल्डर के लॉक के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, उसके बाहर एक सेफ्टी डोर बिठा देते हैं खुद के खर्चे से। अब जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन हम महंगे से महंगा ताला लगाते हैं। इसका मतलब जहाँ 700-800 स्क्वायर फीट के फ्लैट में सिर्फ 5 या 6 लोग रहने वाले हैं, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम उस घर का जो पुरुष होता है, जो मेन आदमी होता है, वो पहले 4-5-6 लोग रहने वाले घर की सुरक्षा का इंतज़ाम पहले करता है। उसके बाद फिर वो इंटीरियर सोफा सेट और कबर्ड और ये सब लेके आता है। सावरकर कहते थे जहाँ 40-50 करोड़ हिंदू जिस घर में रहते हैं, उस घर का नाम है हिंदुस्तान, तो अंतर्गत जो इंटीरियर है, पंचवार्षिक योजनाएं हैं, जो भी डेवलपमेंट है, वो तो बाद में करेंगे, पहले क्या करना चाहिए। इस देश को जितनी खिड़कियां हैं जहाँ से अपना दुश्मन अंदर झांक के देख सकता है, उस खिड़कियों के बाहर एक ऐसा लोखंड का ग्रिल का दरवाज़ा होना चाहिए, सेफ्टी डोर होना चाहिए। और ये सेफ्टी डोर यानी देश का रक्षा करने वाले जो 3 दल हैं, नौसेना, वायुसेना और भूदल, इनको बहुत ही सशक्त बनाया जाए। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर को फुर्सत ही नहीं थी सावरकर जी की सूचनाओं को पढ़ने के लिए, और उन्होंने
पत्नी सावरकर जी की सूचना को कचरे का डब्बा दिखा दिया। उसी दिन हिंदुस्तान की सुरक्षा भी कचरे के डब्बे में गिर पड़ी। दूसरी सूचना की थी उन्होंने, दूसरी सूचना ऐसी थी कि किसी भी राष्ट्र को अगर बलवान बनाना है, किसी भी राष्ट्र को अगर महासत्ता बनाना है, तो उस राष्ट्र के समाज के दो घटक समृद्ध और अमीर होने चाहिए। वो दो घटक कौन से? पहले घटक है सुरक्षा व्यवस्था में काम करने वाले लोग, यानी हिंदुस्तान के तीन दल में काम करने वाले और अंतर्गत सुरक्षा देखने वाले पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग समृद्ध और अमीर होने चाहिए। और दूसरी सूचना, दूसरा घटक था शिक्षा, यानी शिक्षक की पेशा वाले लोग, स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्राध्यापक, इनको भी समृद्ध और अमीर बनाना चाहिए। देखिए क्या क्या सोच है आदमी की। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक के पास हम अब बच्चे को कितनी उम्र में भेजते हैं? पांच उम्र में। पांच साल का बच्चा पहली कक्षा में जाता है, एक मिट्टी की तरह होता है वो, उसको आकार देने का काम ये शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक, शिक्षकी पेशा के लोग, ये समाज का घटक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस बच्चे के ऊपर 5 साल से 21 साल तक 16-17 साल ये बच्चा पढ़ता है, उसके सामने उसका शिक्षक ही सबसे बड़ा आदर्श रहता है। पिता से भी बड़ा उसका शिक्षक होता है उसके सामने, और वो शिक्षक संस्कार जिस ढंग से करेगा, उस ढंग से इस देश की पीढ़ियां समृद्ध होने वाली है। इसलिए शिक्षक की पेशा, प्राध्यापक और शिक्षक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमने हमारे पहले प्यारे गुलाब के फूल लगाकर घूमने वाले प्राइम मिनिस्टर ने, इतनी फुर्सत ही नहीं थी सावरकर जी के सूचनाओं को देखने की, उसी को भी हमने कचरे के डब्बे में डाल दिया और हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी शिक्षण व्यवस्था कचरे के डिब्बे में चली गई। सावरकर जी के बारे में क्या कहूँ मैं, एक ऐसा हीरा था वो। अंडमान की काली कोठड़ी में जब वो बंद थे, सजा भुगत रहे थे, तो एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनके कुछ बुक्स पढ़े और वो आश्चर्य हो गए उनको कि यार इतना बड़ा ये राइटर ये अपने जेल में क्यों सड़ रहा है। इसलिए वो मिलने के लिए आए, एक आधा पौना घंटा उस जेल की कोठरी में उनकी बातें हुई। और जाते जाते उन्होंने एक बात कही सावरकर जी को, मिस्टर सावरकर, गलत देश में और गलत वक्त आप पैदा हुए। आपके विचार 40-50 साल के बाद लोगों को समझ आते हैं, और ऐसे देश में आप पैदा हुए हैं जहां आपकी कीमत जीरो है। ये उस ब्रिटिश अधिकारी ने, उसको पता चल गया था कि सावरकर जी हिंदुस्तान में पैदा हुए। अगर सावरकर जी आज यूरोप में पैदा होते होंगे तो हर कॉलेज की दीवारों पर जो अब्राहम लिंकन का खत लिखा जाता है, वहाँ उसकी जगह सावरकर जी की कविताएं लगी होती हैं। सावरकर जी के बारे में बोलना कई घंटे लग जाएंगे, और पहली बार मैंने कोशिश की, मैं हिंदी में व्यक्त होने की कोशिश की। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल सकता, फिर भी मैंने कोशिश की और
पुष्पेंद्र जी ने मुझे ये मौका दिया है, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सावरकर जी को पहुँचाने की पिछले 15 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ महाराष्ट्र तक मैं सीमित हूँ क्योंकि मैं मराठी में बोलता हूँ, लेकिन आज पहली बार महाराष्ट्र के सीमाओं के बाहर के लोग आज मेरा सावरकर जी का ये भाषण सुन रहे हैं। सावरकर जी कहते थे कि राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले, खेल के क्षेत्र में काम करने वाले, कला के क्षेत्र में काम करने वाले और भाषण देने वाले, सही समय रुकना चाहिए। लोगों ने ऐसा कहना चाहिए कि और थोड़ी देर बोलते थे तो अच्छा लगता था, उसी समय रुकने में मज़ा है। कुछ हिंदी में बोलते समय गलती हुई होगी तो प्लीज़ मन बड़ा करके माफ़ कर दीजिए। किसी को दुखाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सावरकर जी के प्रखर विचार आपके सामने रखने की कोशिश मैंने की है। आपको अगर अच्छी लगी होगी तो एक मैसेज डाल देना, अगर बुरी लगी होगी तो क्या सुधार होना चाहिए वो भी बोल देना। फिर एक बार पुष्पेंद्र जी का मैं आभारी हूँ और मेरा ये भाषण यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।